हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में बजाज के दो बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। और ये दोनों बाइक्स अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से एक है बजाज सिटी 110X और दूसरा है बजाज प्लेटिना 110। हालांकि बजाज प्लेटिना 110 पहले एच गियर नाम से आती थी, लेकिन अब बजाज प्लेटिना 110 में अब आपको डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक और ABS का ऑप्शन मिलने लगा है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि प्लेटिना में कितने वेरिएंट आते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं और इसका कंपैरिजन आपको बजाज सिटी 110X से मिल जाएगा। अगर आप बजाज कंपनी की इस सेगमेंट में कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बाइक लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के कलर ऑप्शन से। तो बजाज सिटी 110X में आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें इबोनी ब्लैक ब्लू डेकल्स, फ्लेम रेड इबोनी ब्लैक रेड डेकल्स और वाइल्ड ग्रीन शामिल है। तो वही बजाज प्लेटिना 110 में दो वेरिएंट डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक मिल जाता है। इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में 3 कलर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इबोनी ब्लैक ब्लू, इबोनी ब्लैक रेड और कॉकटेल वाइन रेड ऑरेंज शामिल है। ये वाइन रेड ऑरेंज ये नया शामिल हुआ है इसमें। तो वही डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें चारकोल ब्लैक, वेल्केनिक मैट रेड और सैटिन बीच ब्लू शामिल है। तो इसमें आपको काफी सारे नए कलर ऑप्शन अब देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा कलर ऑप्शन आपको प्लेटिना 110 में मिल जाती है। तो ये बात कर लेते हैं इन दोनों की डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले सिटी 110X की डिजाइनिंग की बात करते हैं। इसको आप पहले फ्रंट से देख सकते हैं, राउंड शेप का आपको हेडलैम्प मिल जाता है, जहाँ पे ग्रिल भी लगा हुआ है। तो इसके वाइजर पे DRS भी दिया गया है। यहाँ पे इसके सस्पेंशन पे देख सकते हैं रबर लगा हुआ है। और यहाँ पे इस बाइक में जो टायर दिया गया है काफी अलग डिजाइनिंग की दी गई है, जो कि रोड पे काफी अच्छी ग्रिप बना के रखेगी। जो कि यहाँ पे जो लेग गार्ड दिया गया है फ्रंट से देख सकते हैं, इसके लेग गार्ड के ऊपर ग्रिप भी दी गई है। तो इसके साइड व्यू की बात कर लेते हैं, तो साइड से इसके फ्रंट फेंडर को देख सकते हैं, काफी अच्छी डिजाइनिंग की दी गई है। टैंक देख सकते हैं छोटा सा दिया गया है, जहाँ पे सीटी की बैजिंग मिल जाती है, ग्राफिक्स दी गई है और टैंक पैड भी साइड पे दिया गया है। इसके अलावा इसमें इंजन ब्लैक कलर की मिल जाती है, नीचे इंजन पे प्लेट भी दी गई है, जिससे कि इंजन प्रोटेक्ट रहे। साइड वाले पैनल पे 110X की बैजिंग दी गई है, जहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो सीट दी गई है फ्लैट दी गई है, जिसमें स्टिचिंग भी काफी अच्छी दी गई है। पीछे आपको कैरियर के साथ ग्रेबरेल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों साइड ग्रिल का आपको ग्रेबरेल मिल जाता है। हालांकि अन्य दूसरे बाइक में केवल आपको एक साइड ऐसा फुटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट पे छोटा सा क्रोम कवर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग मिल जाती है। पीछे काफी अलग डिजाइनिंग का टेल लैम्प दिया गया है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग आपको बजाज सिटी 110X में देखने को मिल जाती है। इसकी डिजाइनिंग इस समय लोगों को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि काफी अलग लुक के साथ आई है। तो बजाज प्लेटिना 110 की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके भी आप फ्रंट को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिल जाता है, जहाँ पे इसके फ्रंट के वाइजर पे DRS का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सस्पेंशन में आपको रबर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे हैंडल गार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि इस सेगमेंट में किसी बाइक में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके हेडलैम्प के दोनों साइड पे हल्की सी ग्राफिक्स दी गई है। साइड व्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप अलॉय व्हील्स को पहले देख सकते हैं, व्हाइट कलर में दी गई है। इसके अलावा ब्लैक अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में। इसके फ्रंट फेंडर पे आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है। टैंक डिजाइन आप वही प्लेटिना वाले मिल जाती है, जहाँ पे प्लेटिना की बैजिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स काफी अच्छी की गई है। इसके अलावा पीछे 110 कम्फर्टेक की बैजिंग मिल जाती है। सीट पूरी फ्लैट मिल जाती है, काफी बड़ी मिल जाती है, जो कि कम्फर्टेक का सीट आता है, काफी कम्फर्टेबल सीट है। पीछे ग्रेबरेल दिया गया है। इसके अलावा इसमें भी एग्जॉस्ट कवर मिल जाता है। सस्पेंशन गोल्डन कलर की दी गई है। और इस बाइक में जो फुटरेस्ट दिया वो काफी चौड़े डिजाइन का दिया गया है। हालांकि इसमें इंजन प्रोटेक्शन के लिए स्कीड प्लेट नहीं लगाया गया है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग आपको बजाज प्लेटिनम मिल जाती है। ये बाइक ABS के साथ भी आती है। इसके अलावा ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ऑप्शन मिल जाता है। और बजाज प्लेटिना में कुछ नए कलर ऑप्शन आपने देखे हैं, तो इस समय बजाज प्लेटिना में काफी अच्छे कलर मिल रहे हैं, जो कि आपको काफी पसंद आने वाले हैं। तो इन दोनों बाइक्स में से किसकी डिजाइनिंग और किसका कलर आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो सिटी 110X में 115.45 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो बजाज प्लेटिना 110 में भी सेम इंजन मिल जाती है, यानी कि 115.45 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में इंजन में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन के साथ आती है, यानी कि दोनों ही बाइक्स में आपको फ्यूल ऑन ऑफ का भी सिस्टम मिल जाता है। तो सिटी 110X का इंजन 7500 RPM पर 6.33 kW का पावर, जबकि 5000 RPM पर 9.81 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही सेम इंजन प्लेटिना में भी है, तो यहाँ पे भी आपको पावर सेम वही मिलेगी, यानी कि 7000 RPM पर 6.33 kW का पावर, जबकि 5000 RPM पर 9.81 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन सिटी 110X में 4 स्पीड का गियरबॉक्स दिया गया है,
लेकिन प्लेटिना 110 में आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है। तो ये दोनों बाइक्स में किक और इलेक्ट्रिक स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इंजन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गियर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बजाज प्लेटिना 110 में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो सीटी 110X में फ्रंट के साइड हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक 125 ट्रेवल के साथ मिल जाता है। तो इसके रियर में स्प्रिंग इन स्प्रिंग 100mm व्हील ट्रेवल्स के साथ मिल जाता है। तो प्लेटिना 110 के फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक, लेकिन यहाँ पे ट्रेवल जो कि 135mm का है। तो इसके रियर में स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग नाइट्रोस कैनिस्टर सस्पेंशन दिया गया है और यहाँ पे 110mm का व्हील ट्रेवल मिल जाता है। यहाँ पे सस्पेंशन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको बजाज प्लेटिना में नाइट्रोस सस्पेंशन मिल जाता है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा व्हील ट्रेवल आपको प्लेटिना में थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं टायर और ब्रेक्स की। तो सीटी 110X में फ्रंट के साइड 2.75x17 इंच का ट्यूब टायर, तो इसके रियर में 3.0x17 इंच का ट्यूब टायर दिया गया है। तो प्लेटिना 110 के फ्रंट और रियर में 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। यहाँ पर आपको सीटी 110X में ट्यूब टायर मिलता है, लेकिन इसकी जो टायर है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सड़कों पे ग्रिप बना के चलेगी। तो ये प्लेटिना 110 में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। तो यहाँ पे कमी थोड़ी सी आपको सीटी 110 में मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्यूबलेस टायर आजकल चाहते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सीटी 110X में फ्रंट के साइड 130mm का ड्रम ब्रेक और रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो प्लेटिना 110X के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 118mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ पे प्लेटिना में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहते हैं तो ऐसे में आप प्लेटिना के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की, कि किस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो बजाज सिटी 110X में CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। तो बजाज प्लेटिना 110 में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और ABS दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सिटी 110X में हैलोजन हेडलैम्प के साथ DRS दिया गया है। तो प्लेटिना में भी हैलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRS दिया गया है। बजाज सिटी 110X में एनालॉग मीटर दिया गया है, जिसके पहले मीटर में आपको स्पीड ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है। तो इसके दूसरे मीटर में फ्यूल और कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। तो बजाज प्लेटिना 110X में भी पहले डिजिटल एनालॉग मीटर आता था, लेकिन अब इसमें हटाकर एनालॉग मीटर कर दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। सिटी 110X में लेग गार्ड दिया गया है, जिसके ऊपर रबर भी लगाया गया है। तो लेग गार्ड आपको बजाज प्लेटिना में मिल जाता है। बजाज सिटी 110X में दोनों साइड ग्रिल दिया गया है फुटरेस्ट के लिए, लेकिन प्लेटिना में आपको केवल एक साइड ग्रिल वाली फुटरेस्ट देखने को मिलती है। बजाज सिटी 110X में इंजन गार्ड दिया गया है, लेकिन प्लेटिना में कोई भी गार्ड नहीं लगा हुआ है। सिटी 110X में रियर कैरियर मिल जाता है, जहाँ पे सामान रख सकते हैं। प्लेटिना में रियर कैरियर नहीं दिया गया है, लेकिन बजाज प्लेटिना में हैंड गार्ड दिया गया है। ऐसा आपको सिटी 110X में देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही बाइक्स में आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिटी 110X में सस्पेंशन के ऊपर रबर लगा हुआ है और प्लेटिना में नहीं लगा हुआ है। सिटी 110X में ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाती है, लेकिन प्लेटिना में व्हाइट अलॉय व्हील्स और ब्लैक अलॉय व्हील्स दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो इन बाइक्स में ये कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों के फीचर्स में आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो जिसका फीचर आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं माइलेज और टॉप स्पीड की, लेकिन उससे पहले आपसे क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो दोनों ही बाइक में लगभग सेम इंजन दी गई है, तो आपको माइलेज भी लगभग दोनों में सेम मिलने वाली है। तो बजाज सिटी 110X आपको 75 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज दे सकती है, तो बजाज प्लेटिना 110 भी आपको 75 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज दे सकती है। और दोनों की टॉप स्पीड लगभग 95 km/h तक है, लेकिन ऑफिशियली कंपनी क्लेम करती है 90 km/h तक। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के कुछ डायमेंशंस की। तो बजाज सिटी 110X का लेंथ 1998mm, V753mm, हाइट 1098mm, व्हील बेस 1285mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170mm, सीट हाइट 810mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर्व वेट 127 kg है। तो बजाज प्लेटिना 110 का लेंथ 2006mm, V741mm, हाइट 1100mm, व्हील बेस 1255mm, ग्राउंड क्लियरेंस 200mm, सीट हाइट 807mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर्व वेट 119 kg से लेकर 122 kg तक है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्लेटिना में अच्छी मिल जाती है, सीट हाइट भी प्लेटिना की थोड़ी सी कम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों में लगभग सेम मिल जाती है। इसके अलावा इन दोनों में थोड़ी सी भारी आपको सिटी 110X मिल जाती है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो बजाज सिटी 110X का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 55,494 यानी कि 55,494 रुपये तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में लगभग 64,500 यानी कि 64,500 रुपये के आसपास में मिल सकती है। तो ही बजाज प्लेटिना 110 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस, इसमें आपको काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। तो इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 60,608 यानी कि 60,608 रुपये तक है। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 63,424 यानी कि 63,424 रुपये तक है। तो इसका ABS के साथ एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 67,424 यानी कि 67,424 रुपये तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 71,800 यानी कि 71,800 रुपये के आसपास में मिल सकती है।
तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 74,700 यानी कि 74,700 रुपए तक है। तो एबीएस के साथ इसका ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 79,000 रुपीज यानी कि 79,000 रुपए के आसपास में हो सकती है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स का प्राइस फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे CT110X आपको सेम इंजन के साथ काफी अच्छी लुक के साथ आपको काफी कम प्राइस में मिल जाती है। तो बजाज प्लैटिना 110 थोड़ी सी आपको महंगी जरूर मिल रही है CT110X के मुकाबले में, क्योंकि CT110X में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्लैटिना थोड़ी सा ज्यादा कंफर्टेबल भी बाइक है और प्लैटिना में आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट का भी ऑप्शन मिल रहा है और ABS का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी बाइक इन दोनों में से आपके बजट के अंदर आ रही है उसको आप ले सकते हैं, जिसका लुक आपको पसंद आ रहा है उसको आप ले सकते हैं। इन दोनों बाइक्स में से आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे या फिर कौन सा आप यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।